हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। कैसे हो आप सब लोग? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला भात। मसाला भात एक महाराष्ट्रियन डिश है और चलिए देखते हैं कैसे बनता है मसाले भात। तो हमारा मसाले भात बन के रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छे से बना है मसाले भात। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो मैंने कुकर में ऑयल गर्म करने के लिए रखा है। अब मैं इसमें डालूँगी कुछ मसाले जैसे कि तेजपत्ता, दालचीनी, लौंग, काली मिरी और जीरा। तो हम इन मसालों को अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो हमारा मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, खड़ा मसाला। अब मैंने इसमें डाला है करी पत्ता, एक करी पत्ता हमने इसमें डाला है। तो करी पत्ता भी हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी दो कटे हुए प्याज। प्याज मैंने बड़े बड़े काटे हैं, ऐसे ही अच्छे लगते हैं मसाला भात में। तो मैंने यहाँ दो प्याज लिए हैं, मतलब 2 कप्स प्याज लिए हैं। तो मैं प्याज को भी अच्छे से फ्राई करूंगी। हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा सा ब्राउन कलर होने तक फ्राई करना है। साइड में हम निकालेंगे कुछ मसाले जैसे कि बिरयानी मसाला 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्ची पाउडर और 1/2 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और स्वादानुसार नमक। तो हमारा ड्राई मसाला हमने साइड में निकाल के रखा है। अब मैंने यहाँ लिया है चावल, तो मैंने 2 कप चावल लिया है। आपके घर में जितने लोग होंगे उतना चावल आप ले लेना। मेरे घर में 3 लोग हैं तो मैंने 2 कप चावल ले लिया है। तो मैंने चावल को अच्छे से वॉश किया है। अब हम देखेंगे कि हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हुआ कि नहीं। तो हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी कटा हुआ टमाटर। हम टमाटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमारा टमाटर भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें डाली है 1 शिमला मिर्च। आप अपने अकॉर्डिंग सब्जियाँ डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च मैंने डाली है यहाँ 1 अच्छी सी काट के। तो मैंने लंबी लंबी ऐसी काटी है ताकि वो दिखने में सुंदर दिखे। तो हमने अच्छे से ये फ्राई किया है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 कप मटर। तो ये मटर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है पहले, फिर मैंने इसमें डाल दिया है। तो उसके ऊपर मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया, कटा हुआ धनिया। तो अब हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो हमारे सब्जी अच्छे से फ्राई हो रही है, आप देख सकते हैं। तो मैंने अभी अच्छे से फ्राई की है सब्जियाँ। अब मैं इसमें डालूंगी 2 टेबल स्पून देसी घी। देसी घी डालना ज़रूरी है क्योंकि हमारा राइस खुला खुला बन जाएगा और राइस को टेस्ट भी अच्छे से आ जाएगी। और ये देसी घी मैंने घर में बनाया है, इसकी रेसिपी मैं ज़रूर दे दूंगी आपको। तो हमने जो मसाले साइड में ड्राई मसाले निकाले थे वो मैंने अभी इसमें मिक्स किए हैं, जैसे कि लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, बिरयानी मसाला और सॉल्ट। तो ये सब मैंने अच्छे से मिक्स किया है। अब मैं इसमें डालूंगी वॉश किए हुए, भिगोए हुए चावल। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके आप डाल दीजिए। तो मैंने यहाँ चावल डाल दिए। अब हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो मैंने इस यहाँ चावल, सब्जियाँ और मसाले सब इसमें कुकर में डाल दिए हैं। सच में दोस्तों ये राइस बहुत अच्छा लगता है, आप ज़रूर बना के देखना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि राइस कैसा बना है। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, अपना राइस जितना है उसके थोड़ा सा ज़्यादा हमें पानी डाल देना है। आप मेजरमेंट करके डाल देना, 2 कप लिया है तो 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा मैं पानी डाल दूंगी। तो उससे खिला खिला राइस बन जाएगा। ऊपर से मैंने डाली है धनिया। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी और मैं अभी कुकर का ढक्कन लगा के इसको 4 सीटी ले लूंगी। तो मैंने कुकर का ढक्कन लगा लिया है और मैं इसकी 4 सीटियाँ ले लूंगी। तो 3 भी ले सकते हैं, तो मैंने 4 ली है। तो अभी देख सकते हैं आप, मेरा राइस बन के रेडी हो चुका है मसाले भात। तो ये डिश आप ज़रूर बनाना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना।